असल एक चीज है हमारी सकाफत, हमारी तेलंगाना की जो सकाफत है, इन चीज़ों से हम जाने जाते हैं कि हमारे इलाके का रहन सहन, हमारे इलाके के रस्म और रवाज वो किस किस्म के हैं। गाइस हमारे हम बूढ़े होते जा रहे हैं। और हमजा भाई आपको कैसी लगी है? सही थी, बेहतरीन। दूसरों के पैसों पे खाना है, मजा अपना ही होता है। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। जैसे आप खुद इंसाफ करें कि पैसे किसने दिए होंगे, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। गाइस हमारा भाई पासपोर्ट लेके बाहर आ चुका है। मुझे पता चल रहा है भाई सारा तरह का पासपोर्ट लेने आया हुआ है। भाई यार कब बनवाने हैं? कि हमने एहतसाब से किया हुआ था वादा, बिल्कुल। तो इस वजह से हम इंशाल्लाह उसको मिलने जरूर जाएंगे। गाइस 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 सीन ये है कि बाइक का पेट्रोल लैंड हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो गाइस जी मुझे पता है इतने दिनों के बाद आ गया हूँ। मतलब अब आप कहोगे यार नहीं आना सी ना, फिर आप कहोगे यार दो चार दिन के लिए क्या आ जाते हो यार, ना आया करो, ठीक है। लेकिन यार कोई नहीं, होता है, चलता है, क्या करें, जिंदगी है। यार कितनी अच्छी लाइन बन जाती है, चलते चलते घूमते घूमते फिरते फिरते। वैसे तो गाइस काफ़ी दिनों से मतलब मौका मिल रहा था व्लॉग का, लेकिन मैं मतलब मुझे मतलब याद नहीं रहता था या कर नहीं पा रहा था या क्या था, बस नहीं हो रहे थे। लेकिन आज अभी हम जी चकवाल के लिए निकले हुए हैं, मैं हम जी और कामरान, इन दोनों में से एक का पासवर्ड लेना है। तो बस यहाँ पे अभी रुके थे चमन सदाबहार पे, बाकी चलो चाय पीते हैं फिर आगे चलते हैं, बस चकवाल के पास ही हैं हम जी। भाई मैं सोच रहा था मैं आपको व्लॉग सिखाते सिखाते, वे रोज आते हैं, ऐसे आते हैं, बैक टू बैक बनाने हैं। और ये खुद अगला बंदा भाग गया। हाँ, इतना टाइम हो गया भाई, गुम हो गए हैं, ठीक है। असल में मैं इसे सिखाने निकला था, इसने मुझे सिखा दिया कि नहीं बनाने। गुड वन। कोई नहीं यार, अभी आज बनाए ना, इंशाल्लाह ऐसी यानी कि प्रैक्टिस होती रहेगी, रोज बनाएंगे। अरे भाई की बात स्टार्ट हुई है ना ब्लॉग से, तो भाई ने मैंने कहा यार हाँ करते हैं, मैं सोचा था करेंगे, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, पहले बोला था कहा चलो आज ब्लॉग करो, मैंने कहा चलो जी फिर जान दो, फिर मतलब एक ही जाएगी यार, कुछ नहीं होता, आईडी वीडी गर्ल नहीं आएगी। भाई हम पहुंच चुके हैं पासपोर्ट ऑफिस चकवाल में, और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था इस वजह से कामरान जल्दी जल्दी गए पासपोर्ट लेने। हमने कहा चलो हम यहाँ पे रुकते हैं, काम ही आ जाए उसके बाद फिर प्लान करते हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है। मतलब वैसे तो ऐसा प्लान था नहीं, लेकिन अब मेरा तो दिल है ना कि गामी को पकड़ के ना कहीं लेके जाते हैं उसे। सही कुछ भी नहीं, पासपोर्ट ही है, कुछ खजाना तो गिन के नहीं आया। हमजा ने कहा कि चलो जी आगे चक्कर लगा के आते हैं कि रश चेक करते हैं कितना रश है। पता नहीं भाई ने अजीब अजीब शौक है। हमारा भाई पासपोर्ट लेके बाहर आ चुके हैं। मुझे पता चल रहा है भाई सारा तरह का पासपोर्ट लेने आया हुआ है। कब बनवाने हैं? कि हमने इंतजाम से किया हुआ था वादा, बिल्कुल। तो इस वजह से हम इंशाल्लाह उसको मिलने जरूर जाएंगे, सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए हम जाएंगे उसे, फिर हम इधर ही हैं। हमने किधर जाना है, हमारा यही ठिकाना है। ऐसे कामरान भाई मैं ये सोच रहा था भाई यार अभी हम ऐसे टुकड़ी हैं, तो प्लान है कहीं यहाँ पे कुछ करने का, क्योंकि छोटा ब्लॉगर कह रहा है कि यार कुछ जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, या कोई कामरान भाई हमें आज ऐसे कराए कि नहीं करा रहे। हाँ ये पता है क्या चीज़ है, ये छोटा जो ब्लॉगर है ना, हाँ। ये छोटा वी ब्लॉगर है। ये अभी समझता नहीं है बात को, निकल पड़ता है रात को, ठीक है। तो इंशाल्लाह करते हैं कुछ, आगे चल के इसे जो है ना वो एक समोसा तो यहाँ खिला दिया है, टोकन भी पिला दिया है, आगे जाके फिर देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। गाइस चकवाल से तो हम निकल आए, अभी बलकसर पहुंच चुके हैं, और हमजा भाई ने हमें कहा है, हमजा भाई यहाँ पे कोई रुकने के शौकीन थे यार, यार इस चाची को भी डर नहीं। यार तू झटक ना प्राग थक गया होती, मैं क्या पढ़ ले। असल चीज है हमारी सकाफत, हमारी तेलंगाना की सकाफत है, इन चीजों से हम जाने जाते हैं कि हमारे इलाके का रहन सहन, हमारे इलाके के रस्म और रवाज
वो किसके सब गए हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि इस तरह की सकाफत होनी चाहिए, अब तो नापैद ही होती जा रही है। अल्लाह करे पहले हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा इस तरह के जलसे हुआ करते थे, अब हैं और लेकिन कम है बहुत। गाइस वैसे तो हमारा दिल था कि यार जाएंगे पहलवान वालों से मतलब पुलाव खाएंगे, क्योंकि हम जब भी आते हैं तो वो लाजमी सीन होता ही होता है, लेकिन आज ऐसी वह कि हम गए हैं और आगे कामी भाई के दोस्त मिल गया, उसने जी हमें से आगे समोसे और चाय वगैरह चलाई है, जिस वजह से मतलब सबका दिल ही हट गया। अभी हमने प्लान किया है कि बलकसर सूफी वालों से चाट खाएंगे, तो अभी बस बलकसर के पास ही है, मतलब उस सूफी वालों के पास हैं। और अभी हम तो दोबारा से हम तो मैं थे कि ना गाड़ी गिनवाए गाड़ी हमारे हम बूढ़े होते जा रहे हैं। भाई मैंने आपको पिक्चर का कहा था, लेकिन चलो कोई नहीं, होता है, चलता है, खैर है, जिंदगी है। हमने जी यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप बनाया है और सब ने अपनी अपनी पिक्चर्स बनवाई हैं, कुछ हमने थंबनेल के लिए बना ली हैं। और अभी कमरान भाई हमारा वेट कर रहे हैं कि यार जल्दी आ जाओ, जाएँ कोई मतलब पेट पूजा कर लें उसके, क्योंकि ये भाई हमारा बेहोश हो सकता है किसी टाइम भी, कमज़ोर है ना ना सकता तभी था नहीं हमें कोई नहीं लगी हुई है, इसकी सेहत देखें आप, फिर आपको अंदाजा होगा भूख कितनी ज़्यादा लगी। हम पहुँच गए हैं जी सूफी वालों के पास और हमजा भाई हमें आज खिला रहे हैं जी, ठीक है। हमजा भाई बहुत ही प्यारे इंसान हैं। कमरान भाई आप मुझे ये बताएं कि आपको कितनी खुशी हो रही है कि आज हमें हमजा यहाँ पे मतलब चाट खिला रहा है। ये बेसिकली इन्होंने नया कारोबार शुरू किया है, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि आज ये हमें जो है ना यहाँ पे पार्टी दे रहे हैं। हाँ जी आप देखे पार्टी में क्या देते हैं, एक समोसा ही खिलाते हैं लेकिन उम्मीद तो है कि अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी तक मच्छी का रेट पूछने गए थे, खाली रेट ही पूछा है और ये तीन चार दिनों से वैसे हमें रेट ही पूछवा रहे क्यों हमजा भाई? मैं देखो कोई अच्छी रेट वाली मिले ना, ज़्यादा महंगी वाली मैं चाहता हूँ कि आप लोग, हाँ ज़्यादा महंगी जो 10-20 रुपए किलो है ये तो अभी तक छोड़ी है। हाँ छोड़ी नहीं, आप चाहते हो हम आपको ये बता रहे हैं भाई यार आप ये क्या निकाल दो, आगे निकलो 10-20 छोड़ो। अच्छा यहाँ पे चने चाट है, समोसा चाट, उसके बाद नहीं भले नहीं आपको और क्या है, फ्रूट चाट है, शॉर्मा भी है। ये बलकसर की मशहूर तीन प्लेस है जहाँ बिल्कुल सूफी स्वीट बेकर्स एंड फास्ट फूड, तो आप जब भी यहाँ से पिंडी से भी आए इस तरफ तो यहाँ रुकें जरूर। हाँ जब भी बलकसर मतलब आए तो आप यहाँ पे लाजमी आए, हम हर दफ़ा यहाँ पे रुकते हैं। अभी हमजा की बारी, हमजा ऑर्डर देगा, हम तो भाई इंतजार कर रहे हैं, पता क्या चीज़ है। चलो ठीक कामी भाई देव बिल यही देगा, वो तो बात लेकिन एक चना चाट इनका अच्छा है। चलो बाबू यार ये जी हमारी चना चाट आ गई और हमजा भाई ये इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं कि यार 117 वाली नहीं 150 वाली। यार आपने कारोबार शुरू किया है ये छोटा दिल में रखा यार, छोटी 170 वाली मैंने मंगवाई थी किधर, मुझे लगा 170 वाली। हमारा भाई एजेंसी का मालिक है लेकिन लड़ाई इस बात पे कर रहा है कि यार मैंने 170 वाली ऑर्डर की थी, 150 वाली आ गई है। हमने चाट खा लिया और अभी यहाँ से हम निकलने लगे हैं घर के लिए। और हमजा भाई आपको कैसी लगी है? नहीं थी बेहतरीन, दूसरों के पैसों पे खाना है मजा अपना ही होता है। ये कह सकते हैं जैसे आप खुद इंसाफ करें कि पैसे किसने दिए होंगे, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है। वैसे मैं बताऊं क्या बताओ, हमने तुमने दिए लगने ही नहीं, इतनी शक्ल तो ही नहीं लग रहा यार, मजाक। चाट तो हमें कामी भाई ने खिला दी थी, आपने क्या बताना है कमेंट्स में, मैं ही आपको बता देता हूँ। लेकिन हमने हमजा भाई की पॉकेट में मतलब वॉलेट में देखे हैं 160-170 कुछ नज़र आ रहे थे, तो हमने कहा आल इमरान पे रखते हैं, चाय चाय पीते हैं, ये तो खाली करके जाएंगे, और कुछ हो ना हो ये खाली होने जाएंगे। क्या कहना चाहोगे हम लोग? चलो यार कोई नहीं, आप खैर होता है चलता है, क्या करें, कोई नहीं, गरीबों में कुछ बांटना भी चाहिए। हाँ नहीं सही है, हम तो मतलब खा लेंगे पी लेंगे कोई मसला नहीं, गरीब ही सही। चाय पी के हम वहाँ से निकले और हमजा भाई का कोई बच्चा जाग उठा है कब से कह ब्रांड जुटा ब्रांड जुटा, लेकिन हम इसके लिए नहीं रुके, हम इसके लिए रुके, ये व्यू चेक करो यार, कैसा व्यू है हमजा भाई,
यार रोज देखते हैं यार ईद मतलब बंदा सट मतलब को भगा दे कुछ ही भगा ना यार मतलब अगला बंदा यकीन कर ले यार रोज यहाँ पे आते हो आप रोज आते हो किधर रोज आते हो आप तो यार मतलब आप नजर ही नहीं आते ये यहाँ पे हाँ ये जी हमसा यहाँ पे रहते हैं हमसा के घर है छोटा सा ये भी होटल चला करता था अब तो भाई कोई बंदा ही नहीं होता यहाँ पे हमसा क्या वजह है यार क्यों इस तरह के हमारी जो आवाम है ना ये शुरू शुरू में बहुत आती है ठीक है ये आना ख़त्म कर देते हैं और जो इन्होंने बिल भी निकालने होते हैं बेचारों ने भाई जब से एजेंसी में गए तो भाई बिल और बेचारे और ये सब कुछ याद आ रहा है वरना ऐसी कोई बात इसकी नहीं आई यार मेरे हिसाब से सर्विस अच्छी नहीं थी जिस वजह से मतलब ये ख़त्म करनी पड़ गई है वरना इतना भी नहीं है कि लोग मतलब हमारे ऐसे हैं और वैसे हैं भाई पहले शुरू में सही आते हैं फिर बाद में नहीं आते ऐसा नहीं है तो मियार भी तो होना चाहिए ना ताकि लोग बार बार आए खुद ब खुद आए ऐसे ही है ना गाइस 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 सीन ये है कि बाइक का पेट्रोल लैंड हो गया और हमें नहीं पता अभी हम वहाँ पे कैसे जाने वाले हैं और मुझे लगता है कल जो हमने प्रैक्टिस की है ना 8 किलोमीटर वाली वो अभी काम आने वाली है इन्हें बताया नहीं बताया नहीं है कल हमजा भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है जिया मुर्शद मुर्शद हमजा भाई 10 किलोमीटर भाई 10 किलोमीटर भाई ने खाली भाई को नीचे लिखाया और फिर कहा बैठ जाओ पंप पे जाके रुकेंगे और वो ऐसे ही हुआ बिल्कुल यहाँ पे आके तकरीबन हम सब कह रहे ओ चौक चेक हैं कामी चौक चेक ड्राइवर मैं वहाँ तू ट्री जाए खलो के चौक चेक अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैर खरीये से तलक हम पहुँच चुके हैं और अभी कामरान भाई ने कहा कि यार चटखारा का टोकन नहीं पिया तो फिर तो घर हम जा ही नहीं सकते ना मतलब कबूल ही नहीं है भाई जाए कबूल नहीं है और अभी हमजा भाई हमें पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं ये देख रहे हो ये हमजा भाई ने कहा हुआ था यार चौदह में दे और अभी हम प्रोस्टर भाई के पास आ गए मैंने कहा बड़े दिनों में मुलाकात नहीं हुई भाई से चलो मिल लेते हैं ब्लॉग के बहाने से जैसे जैसे आखिरकार ब्लॉग के बहाने भाई हमारी दुकान वैसे उन्होंने नहीं आना होता बस जब इनको कॉन्टेंट चाहिए गुड बॉय सही है ये भाई सो ब्यूटीफुल एजेंसी के मालिक एजेंसी से मालिक हो गए नजर ही नहीं आते भाई अपनी भाषा में उन्होंने गाली ली है उसके 6 टायर गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग एंड कर यार एक बात ये ना छह टायर सस्पेंस छोड़ रहे हैं ये अगले ब्लॉग में बताएंगे 6 टायर वाली कहानी इसलिए गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़